الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل میں تو دلبر میں تو جانان میں تے روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے او زما مشک و عنبر نشتب لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے او نم درش تب لتا نم دارشتہ نمی درشتا بے لتا نمی داروشتا در می تا دوا می تا درمان می تا او ستا پا منکی می دین او ایمان اولید یا رسول اللہ ستا پا منکی می دین او ایمان اولید دین می تا اسلام می تا ایمان می تا او ستا دمخ پا صفحا ستا پا تعلیم لولم ستا دمخ پا صفحا ستا پا تعلیم لولم پیر می تا استاز می تا قرآن می تا او د محمد امین زلتا په منګول یوړو د محمد امین زلتا په منګول یوړو شوق میت او ذوق میت درمان میتې نصر جھکا کیجیے نمو چھپا کیجیے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجیے ہم اگر دو دن کم جیے تو اس محیرت کیا ہم ان کے ساتھ پہ جو شمع جلا کیجیے او تانا قربان یا رسول مدنی تما شقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشت حغی زلک ایمان یا رسول مدنی او که ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقا چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی
अस्ताप कमाल जमाल क्रम स्वाल चरब रजा शिजमा मोहम्मद अमीन स्तानात खान या रसूल मदनी। قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। तमाम अहबाब बुलंद आवाज से शौक और ज़ौक और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या खातमन नबियीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम दिलों की धड़कन हमारे दिलों के बहुत करीब हज़रत पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत पीर मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया कादरिया आवान शरीफ गुजरात। इस आस्थाने से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हुजूर के ग़ुलाम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है बिलखसूस उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम पिरानी तरीक़त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के जुमला ज़िम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान दूर नज़दीक से आने वाले तमाम शाकान रसूल सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू के फ़ज़्ल करम से हम एक मरतबा फिर इल्म इरफान के अज़ीम दीनी और रूहानी मरकज़ दरबार आलिया कादरिया आवान शरीफ गुजरात में यहाँ पर दीन मतीन के खिदमत के लिए और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इज़्ज़त अबरू के हिफाजत के लिए एक नए आज़म के साथ यहाँ पर जमा है। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू सब का हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। पिछले मरतबा जो प्रोग्राम हुआ था इसी तरह गर्मी में मुझे अब भी याद है कि जिन्होंने हमें ये अजीमत का रास्ता दिखाया और इस रास्ते पर लगाया जिन्होंने हमें दुनिया और माफीहा और दुनियावी जाहो जलाल से भी नियाज कर दिया और हमारे सामने उनकी बरकत से न दुनिया की जाहो जलाल की कोई वक़्त रही ना वजारतों की न कुर्सी की न दुनियावी चमक दमक की और जिन्होंने अपने किरदार से इस कौम को वो सबक दिया खुदा की कसम अल्लामा इकबाल ने सही फरमाया था कि आपका पेशवा और इमाम वही हो सकता है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जिन्होंने हमें खुदा की कसम दुनिया और ये दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह करके रुख दोस्त उस अंदाज से दिखाया कि सामने से गोलियां चल रही हो या शैल हो किसी की कोई परवाह नहीं, बस सिर्फ एक हसरत और अर्जू है कि काश इसके बदले हमें सिर्फ करीमा का ताजदारी मदीना का एक निगाह नाज मिल जाए तो दुनिया में भी हम सुरखरो हो जाए और आखिरत भी सवर जाए। तो मुझे अब भी वो मंज़र याद है कि आखिरी मर्तबा जब यहाँ पर हुजूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ फरमाते आप इंतहाई शफकत फरमाते थे पीर साहब के साथ इंतहाई सख्त तरीन गर्मी में ये प्रोग्राम हो रहा था। तमाम कायदीन कारकुनान पसीनों में शराब ओढ़ते मगर जो जलक क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की वो सामने तमाम उशाक आपका दीदार मुबारक कर रहे थे। खुदा की कसम किसी को कोई परवाह नहीं था ये गर्मी है या सर्दी है ये मौसम गर्म है प्रोग्राम करने का है या नहीं है। नहीं नहीं क़िबला बाबा जी तशरीफ़ फरमाते कोई भी बंदा अपनी जगह से हिला नहीं है। हर बंदा खुश हो रहा था कि हमें उस मर्द कलंदर का दीदार नसीब हो रहा है
लेकिन शायद ये खुदा को ऐसा मंजूर था, अल्लाह की मंशा यही थी। हम उसमें अल्लाह की रजा के सामने तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बल्कि उस पर राजी है जो अल्लाह का फैसला है। लेकिन खुदा की कसम, मैं आज भी इस पर जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है कि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने बाबा जी के जाहिरे पर्दा और विसाल फरमाने के बाद भी हमें यूं बेनवा नहीं छोड़ा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़ियादत अता की जो बाबा जी की गैरत, इश्क व मोहब्बत और बाबा जी की हमीयत का परताव है, जिसके हम खुद गवाही दे रहे हैं बगैर किसी चापलूसी के, बगैर किसी खुशामदी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर करम किया। हम अगर किबला सरपरस्त आला साहब की सूरत में देखते हैं, मुजस्समे सीरत व सूरत जिन्होंने पूरे इस्तकामत के साथ पहले दिन से अपनी असलाफ के नक्श कदम पर चलकर दीन मतीन के खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया, ना आस्ताने की कोई परवाह की, न ये परवाह की कि उधर पुलिस या उधर मेरे लिए मामलात सख्त हो जाएंगे, आपने किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्तकामत और इखलास के साथ खड़े रहे और उसकी तुफैल आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दरबार की खुसूसियत है। तुम क्यों दूसरी तरफ जा रहे हो और जहां पर जिल्लत के अलावा कुछ नहीं, इज्जत ना IMF के पास है, इज्जत ना FATF के पास है, ना मगरब के पास है। अगर आपने दुनिया और आखिरत की इज्जत कमानी है तो आ जाओ उस दर की तरफ जहां से दुनिया और आखिरत की नेमत ही मिलती है, दुनिया और आखिरत की इज्जत ही मिलती है, और इतनी कि आपके वहम गुमान से भी बाहर है। हजरत जब हातम ताई की बेटी नंगी सर हुजूर के दरबार में कैदी होकर आई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फौरन उठ के उनको चादर अता किया। उसके बाद पूछा क्या चाहती हो, उन्होंने फरमाया एक तो मैं आजादी चाहती हूं, दूसरी मैं शाम जाना चाहती हूं, तो सवारी भी मुझे चाहिए, सवारी भी मुझे चाहिए और मुझे ज़ादे राह भी चाहिए, ताकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे करीम आका ने ज़ादे राह भी अता की, मेरे करीम आका ने चादर भी अता की, मेरे करीम आका ने सवारी भी अता की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ादी भी अता की। जब वो शाम चले गई अपने भाई आदि इब्न हातिम के पास तो उनको कहा, उन्होंने कहा कहाँ से होकर आई हो, तो उन्होंने जब किस्सा सुनाया तो मैं तो कैदी बनकर गई तो उन्होंने फौरन छूंका और कहा, फिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, कहीं आपको मुशक्कत में तो नहीं डाला, उन्होंने ना भाई क्या बात करते हो, आपको क्या पता वो कैसे दरबार है, आ जाओ एक बार जाना पड़ेगा तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो दरबार कैसा है। उन्होंने कहा नहीं मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। उन्होंने कहा भाई घबराने की कोई बात नहीं, हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आपके वहम गुमान में भी नहीं हो। उन्होंने कहा कितना देते हैं, फरमाया भाई इस तरह नहीं होगा, आप जाके हाजिरी लगाए तो आया नजर ते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। इसलिए आप यकीन करें कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तो आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा तो यह अकीदा है कि वो तो ज़ाहिरन हमारे दरमियान से पर्दा फरमाने लगे, लेकिन जो मिशन उन्होंने हमें देकर जो मिशन इन्होंने इस कौम को दिया, यकीन करें मैं कल वो जो एक क्लिप वायरल हो रहा है उसमें लोग शायद दूसरे नज़र से देख रहे हैं, मैं जिस नज़र से देख रहा हूं और आप भी शायद उसी नज़र से देख रहे होंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस्लामी टच की, ये लोग क्यों इस्लाम की तरफ। उनको पता चला कि उस मर्द कलंदर ने इस कौम का मिजाज इस तरीके से बनाया है कि अब न हम इनको रोटी पर धोखा दे सकते हैं, न कपड़ा पर धोखा दे सकते हैं, न मकान पर धोखा दे सकते हैं, न दुनियावी तरक्की का लालच देकर तब्दीली पर धोखा दे सकते हैं। अब अगर इनको धोखा देना है तो उनको मोहम्मद अरबी के गुलामी का वास्ता देना पड़ेगा, इस्लामी टच देना पड़ेगा, इनको ये कहना पड़ेगा कि उनके अब इनको वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने उनके जहन इस तरफ लगा दिए है कि इनको कोई परवाह नहीं, वो
वो कहेंगे हाँ हाँ हम भूख बर्दाश्त करेंगे, हाँ हम इस मुल्क में सख्ती बर्दाश्त करेंगे, महंगाई भी काबिल बर्दाश्त होगी, हर तरफ से हमारे पास सामने कुछ भी ना हो हम फिर भी बर्दाश्त करते हैं, दुनियावी सहूलतें ना हो फिर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन उनके जहन यूं बन चुके हैं कि अगर मकीने गुंबद खजरा ने मुंह मुबारक पैर लिया तो फिर किसी का कोई गुजारा नहीं, क्योंकि मेरे इमाम फरमा गए हैं वो जहन्नम में गया जो तुझ से मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजत रसूलुल्लाह की, और लावर रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह इसलिए आप इस अजीम शान प्रोग्राम को याद रख के इस जगह को कि वक्त आने वाला है कि ये टच अब ताजदार खत्म नबूवत के नारे की सूरत में भी होगा। आप अब वो हर तरफ से आएंगे क्योंकि इनको पता लग चुका है कि कौम ने आज अगर इकट्ठे होना है तो उस मर्द कलंदर ने जिस नारे पर इकट्ठे किया उसी के बगैर कोई मुमकिन नहीं है। तो वो कभी आशिक रसूल की लफ्ज़ के साथ, कभी मुहाफिज खत्म नबूवत के साथ, मुख्तलिफ टच के साथ आएंगे सिर्फ इसलिए कि वो इस कौम को धोखा दे। हालांकि कौम तो तमाशा देख रहा है, और मुझे ताज्जुब है उन बंदों पर कि जिन्होंने हुजूर के खत्म नबूवत के लिए गोलियों का सामना किया, हर मुश्किल का सामना किया। खुदा की कसम कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 7.5 मिनट स्ट्रेट फायरिंग के सामने किसी ने अपने सीने किए हो, कोई जुलूस डिस्पर्स नहीं हुई, 7.5 मिनट स्ट्रेट सामने फायरिंग, और वो भी हुजूर के गुलामों के सीने हो सामने, मगर किसी बंदे ने यह नहीं कहा कि अब तो सामने से गोलियां चल रही हैं, अब तो हम जरा साइड पे हो जाते हैं, अब तो हम यहां से चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीख रकम हुई कि कोई बंदा अपने जगह से हिला नहीं, जबकि एक जब गिर जाता खत्म नबूवत के नारे के साथ तो 10 मजीद आगे बढ़ते और अमलन यूं इजहार करते कि हमें किबला मीरुल मुजाहिदीन ने यूं दर्स नहीं दिया, सिर्फ रस्मन ये शेर नहीं कहा, आज उनके बच्चे मैदान अमल में करके दिखाते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आपने किरदार से इस कौम की तरबियत की, आप वो शख्स थे कि आपके इस्तकामत इबादत जोहद व तकवा भी हमने देखी, आपका यकीनन यकीन करे जो जोहद व तकवा अल्लाह करीम ने आपको दिया था, जो गैरत और हमीयत आपका आपको अल्लाह करीम ने उसका हिस्सा अता किया था वो भी हमने अपने आंखों से देखा। मेरे जद्द अमजद का एक शेर है और वह है पश्तों में, वो है तस्बे पलास के जुमात के नास्तलम खान कवि, तस्बे पलास के जुमात के नास्तलम खान कवि कह रहे कि तस्बी हाथ में हो और अल्लाह का घर हो मस्जिद हो, खुदा की कसम इसका भी एक मज़ा है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की याद में मशगूल हो
उससे आगे आपको लुत्फ आएगा। तस्बे पलास के जुमात के नास्तलम खन कवि खुतुरा पलास के प मैदान के उदरे दलम खन कवि फरमाते हैं इसका भी तो एक और मज़ा है कि बंदा खुशूज़ो से अल्लाह की याद में मशहूल हो तो वो तो और मज़ा है, लेकिन तुरा पलास प मैदान के उदरे दलम खन कवि लेकिन जब इस्लाम को तलवार की जरूरत पड़े तो फिर तस्बी का आड़ नहीं लेना चाहिए। खुदा की कसम फिर इसका तो मजा ही जुदा है कि तलवार लेकर बंदा हुजूर के दीन के लिए मैदान में निकले। क्योंकि आप वो शख्सियत है कि गुजरात से हमारा भी एक खास निस्बत है, एक तो पीर साहब की वजह से है और दूसरी हमारी वो निस्बत है कि इस गुजरात के जेल में हमारे दादा हुजूर ने 1953 में 7 महीने कैदोबंद में गुजारे हैं और उस कैदोबंद के उस 7 महीनों में आपने जब आप बनते 1953 में गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आप गिरफ्तार किए गए थे तो आपने उसी जो काल कोठरी थी उसी में से फरमाया था मास्ता द इश्क पर जुर्म वजनी दागा होगा अच्छे दनन सर करा पुरता पर देवाल दा तमाशा चे दनन या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। सर करा पुरता पर देवाल दा तमाशा चे दनन रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखे जहम ख्वाखियम चे लता न कुर्बानिशम जहम ख्वाखियम चे लता न कुर्बानिशम मैं तो चाहता यही हूं कि मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं जहम ख्वाखियम चे लता न कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा अजल से यही सौदा लेकर आए हूं कि लेकर आया हूं कि हाय काश कब वो मौका मिले कि मैं आपके जतो नामूस पर कुर्बान हो जाऊं। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता हर साथ में रूह हजार हजार कर रहता जारे दे लता उमदगा में मनशादा हाय काश जिंदगी के हर सांस में मुझे हजारों जाने मिल जाए हर सेकंड पर हजारों जाने मिल जाए और एक एक आपके इश्क को मोहब्बत में कुर्बान करूं। इसलिए आप तमाम अहबाब इंशाल्लाह हम भी अमीर मोहतरम का इस्तकबाल करेंगे, सिर्फ आप नहीं, आप इस तरफ तवज्जो रखें इंशाल्लाह इस तरफ से आएंगे और तमाम अहबाब इस्तकबाल करेंगे, हम भी बेताब है सिर्फ आप नहीं, उनके एक झलक के लिए हम भी बेताब है और ये पूरा इंशाल्लाह ताला स्टेज भी उनके लिए इस्तकबाल के लिए वो सारे बेताब है। लेकिन आपने प्रोग्राम का नज़म ख़राब नहीं करना, तवज्जो मेरी तरफ करना है इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम जलवागर होंगे तो सब उनकी दीदार से भी मुशर्रफ होंगे और लब्बैक या रसूल अल्लाह की पुरशगाफ नारी भी होंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ अब आपको क्योंकि मैं अख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ मैं ये बात समझाने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी अस्ताने से जब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ लाए थे ये जो इतना लंबा तमहीद मैंने बांधा सिर्फ इसलिए कि इन्हीं अस्तानों से अल्हम्दुलिल्लाह हक की आवाज़ बुलंद हुई है और इतनी अजीमत और इस्तकामत के साथ बुलंद हुई है कि कभी एक सेकंड के लिए भी कभी एक मिनट के लिए भी वो आवाज़ में हमने मुदाहनत नहीं देखी, उस आवाज़ में हमने कोई कमजोरी नहीं देखी। जब भी कोई बात हो अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब मोहतरम सबसे पहले सफ में हमने पाया उसको। तो आज हमें सस्ताने पर इस दौर में जब हुजूर के दीन पर हर तरफ से हमले हो, जब कादियानियत अपने जोर शोर पर हो, जब हमारे एक अजीम कारकुन जैन अली रजवी का खून बह चुका हो, मुकद्दस खून, और वो कादियानियत जो कि नासूर है इस मुल्क के लिए वो फिर भी अपने बदमाशियों पर हो, तो आज हमने एक आजम करके जाना है इंशाल्लाह कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए हमने लब्बैक के साथ इंशाल्लाह मजबूती से कड़े होकर हुजूर के दीन का दिफा करना है और हर कदम पर किबला अपने कायदे मोहतरम की आवाज पर लब्बैक कहना है। और ये जो मुख्तलिफ टच में कौम को धोखा दे रहे हैं ये तो मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि मैंने अपने जो दाढ़ी मैंने सफेद की मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जिन्होंने हुजूर से दो नंबरी की हो और वो बच चुका हो। जो तेरे दर से यार पिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार पिरते हैं, कौन ख्वार नहीं हुआ ये तो बताए,
जिनका जितना भी हिस्सा रहा वो सब जलील ख्वार हो रहे हैं, वो अपने इज्जत के लिए टोकरे खा रहे हैं, वो अपने साग को बहाल करने के लिए तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन आज हम भी ये बात अलग ऐलान करते हैं कि इज्जत उसी की होगी, इज्जत उसी की होगी जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातो वसलाम की इज्जत करे। आप तमाम अहबाब से बस मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला हमने यहां पर इल्म इरफान के इस अजीम रूहानी मरकज में इस आजम के साथ इंशाअल्लाह ताला बाहर जाना है कि हमने हुजूर के दीन का परचम हर तरफ बुलंद करना है। इंशाअल्लाह इनफरादी तौर पर कोशिशें करनी है, हर दर हर दरवाजा कटकटाना है और उनके पास जाना है, उनको तारीख का पैगाम पहुंचाना है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जिस सैलाब की तरह और सैलाब की तेज़ी और जिस तरह उनकी रवानगी है उनके तरह, जिस तरह लब्बैक हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान पर इस्लाम का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह, और जुल्म व बर्बरियत का ये जो सूरज है ये गुरूब हो जाएगा। हर तरफ फिर हुजूर के दीन के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह। फिर गरीब इस तरह यूँ रोएगा नहीं कि आज पेट्रोल महंगा, आज डीजल महंगा, आज जो है ना फलां चीज़ महंगी, आज ये चीज़ महंगी। इंशाअल्लाह फिर इस्लाम इज्जत के साथ सबको रोटी भी देगा, फिर इस्लाम इज्जत के साथ सबको माल दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा, जाहो जलाल भी देगा, मगर या सरदारी भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर फिर पाकिस्तान सरदारी करेगा। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम इस्लाम की तरफ आ जाए। लब्बैक इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदे के लिए मैदान में है, और आज हम अपने सरपरस्त आला, अपने अराकीन शूरा और अपने कायदीन के सामने इंशाअल्लाह ये आज़म करेंगे कि हम हर सूरत हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे। रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका। वैसे भी कोई बंदा खड़ा है कोई बैठा है, तो अब कम अज़ कम ये शेर तो अपने जज्बात के साथ इस अंदाज से लगाए कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का के रूह मुबारक को तस्कीन हो जाए। रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका। ये जितना भी कोशिश कर ले ये जलकर खाक में खाक हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।